देवनार विभाग एसीपी में तिलक नगर पुलिस स्टेशन द्वारा किया गया फ्लैग मार्च। आज हमने ये जो रूट मार्च किया है, ये हमारे वरिष्ठ अधिकारी जो है माननीय सीपी सर हंसाड़कर साहब है, एलेंडो सर है, चौधरी सर, इसके बाद में हमारे रीजन सर है पाटिल सर, और डीसीपी सर है ढवले सर, इनके आदेश से और इनके निर्देश के ऊपर हमने ये आज का रूट मार्च किया है। ये रूट मार्च हमने अभी जो आगामी जो विधानसभा के इलेक्शन आ रहे हैं उस रिगार्डिंग जो जनता को हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम पूरी जोर शोर से उनके संरक्षण के लिए, और ये इलेक्शन जो है, ये जो निवडणूक है, ये निष्पक्ष तरीके से हो और किसी दबाव में ना हो, इसलिए हम पूरे मुस्तैदी के साथ उनके साथ खड़े हैं। ये जताने के लिए आज का ये रूट मार्च था। और जो लॉ एंड ऑर्डर की हमारी जो तैयारी चल रही है, इसके लिए हमें बाहर से भी फोर्स मिला है। अभी आप देखते हैं ये सब पैरामिलिट्री फोर्स। जी, आज का जो मार्च आयोजित किया गया था, ये हमारे सुपीरियर अधिकारी जो हैं, इनके आदेश से और आगामी विधानसभा इलेक्शन के पर यह मार्च आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य था कि जनता में जागरूकता पैदा करना, जनता को आश्वस्त करना कि ये जो चुनाव होंगे ये निष्पक्ष वातावरण में होंगे, भयमुक्त होंगे, और जो बैड एलिमेंट है, जो एंटी सोशल एलिमेंट है, इनको चेतावनी देने के लिए हमारी पूरी स्ट्रेंथ है, हम लोग तैयार है, ये दिखाने के लिए ये रूट मार्च का आयोजित किया गया था। इसका आयोजन यहाँ से आगे बार बार, मतलब पीरियडिकली हो जाएगा जब तक वोटिंग हो नहीं जाता। इसके माध्यम से जनता मुंबई चेंबूर के तिलक नगर पुलिस स्टेशन व देवनार विभाग एसीपी संजय डहाके व तिलक नगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शशिकांत पवार द्वारा विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए निकाला गया फ्लैग मार्च। इस मौके पर भारी संख्या में मुंबई पुलिसकर्मी दिखाई दिए। देखिए ये रिपोर्ट। सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि आने वाले त्योहार एवं विधानसभा चुनाव 2024 शांततामय एवं सुरक्षित वातावरण में पूरे करने के लिए इस रूट मार्च का आयोजन किया गया है। इस रूट मार्च में एसीपी को वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक तिलक नगर पुलिस थाने के साथ आज हम आए हैं देवनार विभाग के अंतर्गत तिलक नगर पुलिस स्टेशन के एसीपी सर संजय दामोदर ढाके सर। सर, आज ये जो रूट मार्च जो हुआ था, तो इसका कारण क्या था सर? ये आज हमने ये जो रूट मार्च किया है, ये हमारे वरिष्ठ अधिकारी जो है माननीय सीपी सर हंसाड़कर साहब है, एलेंडो सर है, चौधरी सर, इसके बाद में हमारे रीजन सर है पाटिल सर, और डीसीपी सर है ढवले सर, इनके आदेश से और इनके निर्देश के ऊपर हमने ये आज का रूट मार्च किया है। ये रूट मार्च हमने अभी जो आगामी जो विधानसभा के इलेक्शन आ रहे हैं उस रिगार्डिंग जो जनता को हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम पूरी जोर शोर से उनके संरक्षण के लिए, और ये इलेक्शन जो है, ये जो निवडणूक है, ये निष्पक्ष तरीके से हो और किसी दबाव में ना हो, इसलिए हम पूरे मुस्तैदी के साथ उनके साथ खड़े हैं, ये जताने के लिए आज का ये रूट मार्च था। और जैसे कि ये लॉ एंड ऑर्डर के बारे में आप लोगों की तैयारी कैसे है सर? लॉ एंड ऑर्डर की हमारी जो तैयारी चल रही है, इसके लिए हमें बाहर से भी फोर्स मिला है। अभी आप देखते हैं ये सब पैरामिलिट्री फोर्स हमारे साथ में है, ये भी आ चुके हैं। उसके बाद में हमारे साथ में होमगार्ड है, एसआरपी के हमारे जो साथी है वो भी हमारे साथ में बंदोबस्त के लिए अभी आने वाले हैं आगामी पीरियड में, और हमारा पूरा है ना स्टाफ पूरी तरह से मुस्तैद रहने वाला है, और हम कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कोई क्रिएट नहीं होने देंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। जैसे कि इलेक्शन के माध्यम से, जैसे कि आप लोगों को क्या क्या कठिनाई का सामना करना पड़ता है सर? कठिनाई का वैसे तो हमने तो पूरी तैयारी कर रखा है, तो शायद हमें ज़्यादा कठिनाई की कोई मतलब सामना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर देखा जाए तो जैसे शिवाजी नगर है तो छोटे छोटे रास्ते हैं, तो थोड़ी दिक्कतें आने वाली है, लेकिन वो हम उसके लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद महानगर सिटी न्यूज़ से बात करने के लिए। थैंक्स। हेलो, आज हम आए तिलक नगर पुलिस स्टेशन में, शशिकांत पवार सर जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है, इनसे आज के मार्च के बारे में हम जानना चाहेंगे। सर, आज का जो मार्च था, इस बारे में आप कुछ बताइए सर। जी, आज का जो मार्च आयोजित किया गया था, ये हमारे सुपीरियर अधिकारी जो हैं,
इनके आदेश से और आगामी विधानसभा इलेक्शन के पर यह मार्च आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य था कि जनता में जागरूकता पैदा करना, जनता को आश्वस्त करना कि ये जो चुनाव होंगे ये निष्पक्ष वातावरण में होंगे, भयमुक्त होंगे, और जो बैड एलिमेंट है, जो एंटी सोशल एलिमेंट है, इनको चेतावनी देने के लिए हमारी पूरी स्ट्रेंथ है, हम लोग तैयार है, ये दिखाने के लिए ये रूट मार्च का आयोजित किया गया था। इसका आयोजन यहाँ से आगे बार बार मतलब पीरियडिकली हो जाएगा जब तक वोटिंग हो नहीं जाता। इसके माध्यम से जनता में जागरूकता पैदा हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आश्वस्त हो जाएंगे कि मुंबई पुलिस आपके सेवा में सदैव तत्पर है, आपकी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है, और ये चुनाव भयमुक्त वातावरण में और निष्पक्ष वातावरण में हो जाएंगे, इसलिए ये रूट मार्च आयोजित किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। तसे करताना पकडले गेल्यास आपल्या विरोधात कडक कारवाई करण्यात येईल। सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि आने वाले त्योहार एवं विधानसभा चुनाव 2024 शांततामय एवं सुरक्षित वातावरण में पूरे करने के लिए इस रूट मार्च का आयोजन किया गया है। इस रूट मार्च में माननीय एडीसी साहब।